नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। सीएम योगी ने रविवार को नोएडा ग्रेटर नोएडा की 1700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। योगी ने कहा, मैं 3 दिन बलरामपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, गोरखपुर के दौरे पर था। वहाँ भीषण गर्मी थी, मुझे लगा यहाँ भी ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन मौसम की कृपा देखिए, जैसे माफिया यूपी में ठंडे हो गए हैं, वैसे यहाँ मौसम भी ठंडा हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, पाकिस्तान एक एक रोटी के लिए मोहताज हो रहा है। आज भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। एक तरफ भारत की शानदार यात्रा और वहीं पाकिस्तान अपनी नकारात्मक सोच के नाते भुखमरी, दरिद्रता की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में अपने कर्मों से पाकिस्तान भी वैसे ही ठंडा पड़ जाएगा जैसे यहाँ के माफिया ठंडे हो गए हैं। सीएम योगी ने कहा, यूपी के लोगों के पास कितनी बड़ी संभावना है। काशी भी हमारे पास, अयोध्या भी हमारे पास, मथुरा वृंदावन भी हमारे पास। काशी पीएम मोदी के नेतृत्व में एक नई आभा के साथ भव्य और दिव्य रूप में वैश्विक मंच पर अपनी नई प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही है। वैसे ही अयोध्या नई अयोध्या के रूप में जगमगा रही है। दुनिया के अंदर जहाँ भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी होगा, भारत का शुभचिंतक होगा, वह जनवरी 2024 का इंतज़ार कर रहा है, जब भगवान राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या में वह दिन भी करीब आ रहा है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।